हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कॉकटेल। मैं हूं निशा, आपकी होस्ट। सो गाइस, आज हम कान्हा जी की ड्रेस बनाने वाले हैं, जो कि मैं काफी ज्यादा सिंपल तरीके से बनाऊंगी। ये नो स्टिच ड्रेस है, ये कान्हा जी की समर स्टाइल टूटू ड्रेस है, जिसे कि मैं एक नेट की फैब्रिक के साथ में बनाऊंगी। यहाँ मैंने नेट की क्लॉथ ली है, जिसकी मैं लंबी लंबी पट्टियां काटूंगी। आप अपने कान्हा जी को मेजर करें और उनके मेजरमेंट के हिसाब से आप छोटा या बड़ा जैसा ड्रेस बनाना चाहे उतनी बड़ी पट्टियां काटें। ये ड्रेस लास्ट मिनट ड्रेस है, जो कि बनाने में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसमें आपको कोई भी स्टिचिंग नहीं करनी है। यहाँ मैं अपने नेट फैब्रिक की लंबी लंबी पट्टियां काट रही हूँ। आपको इसके लिए 15 से 20 पट्टियां चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ही कट कर ली है, तो मैं 2 या 3 ड्रेसेस इसमें से बना लूंगी। और इसके साथ हमें चाहिए एक साटन रिबन। मैंने कट करके यहाँ सारी पट्टियां को तैयार कर लिया है। अब मैं एक रिबन लूंगी और रिबन में इन पट्टियों को बांधती जाऊंगी। बांधना कैसे है ये आप देखें, इन्हें फोल्ड करना है। फोल्ड हम 3/4 स्टाइल में करेंगे, हाफ हाफ फोल्ड नहीं करेंगे। और इसे इस तरीके से रिबन में नॉट लगाते जाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें सारी पट्टियों को बांधना है। आप देख सकते हैं, सेम एक ही तरीके से मैं सारी पट्टियों को बांधती जा रही हूँ। ये ड्रेस बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपके पास नेट फैब्रिक नहीं है, तो कोई भी घर में नया पड़ा हुआ कपड़ा जो आपके पास में हो, उसके साथ में भी आप ये ड्रेस बना सकते हैं। और ये ड्रेस देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। ये ड्रेस कान्हा जी की बर्थडे स्पेशल ड्रेस है। आप देख सकते हैं, मैं नॉट्स लगाती जा रही हूँ और सभी पट्टियों को अपने रिबन में अटैच करती जा रही हूँ। मेरी ड्रेस ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। मैंने इसी तरीके से पूरा स्कर्ट बना लिया है। ये रहे मेरे क्यूट से कान्हा जी। ये रही उनकी ड्रेस, जो ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं कुछ मोतियां लगाऊंगी।
यहाँ मैं ऊपर की सभी पट्टियों को एक पेटल का शेप दे रही हूँ और उसके एंड पे मैं छोटे छोटे पर्ल्स धागे की सहायता से लगाती जा रही हूँ। ऑलमोस्ट ये ड्रेस हमारी बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो बाहरी पेटल्स पे भी पर्ल्स लगा सकते हैं। अब मैं अपने कान्हा जी को कुछ इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी को रेडी किया है। मैंने रिबन की नॉट 6 लगाई है और सेम रिबन को मैं फ्रंट साइड में ला करके आगे के पोर्शन को कवर किया है और मेरे पास कुछ बची हुई पट्टियां थी जिससे कि मैंने उनका आगे का वस्त्र बनाया है और इसे भी मैंने सुई धागे की सहायता से स्टिच कर दिया है। अगर आपको मेरी चैनल वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैप्पी जन्माष्टमी।